माशाल्लाह आप जो भी गाना गाते हैं वो काफी दिल से गाते हैं और बड़े घूम के गाते हैं गाने का। ये गाने में कितना एफर्ट लगाना पड़ा या कितना आराम से गाया आपने? एफर्टलेस गाया है क्योंकि गाना बहुत अच्छा था और टाइटल ट्रैक है इस फिल्म का, अतरंगी स्ट्रगल की माँ की आँख फिल्म का नाम है, और थोड़ा सा चुलबुलापन था गाने में, एक्सप्रेशंस काफ़ी थे। बहुत अच्छा कंपोज़ किया, बहुत अच्छा अरेंज किया अभिजीत अरुण जी ने, और मुझे बहुत मज़ा आया कंपोजिशन सुन के, मज़ा आ गया और मैंने अपने मन से गाया। भाई आपके लिए कितना अलग अलग जॉनर के आप गाने गाते हैं, अलग अलग डिफरेंट वॉइस में गाते हैं, मतलब किस तरह से मैनेज करते हैं? एक्चुअली मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अंदर सब फील पड़ा हुआ है और बस क्या होता है कनेक्शन जुड़ने की देर होती है। कोई भी गाना अगर आप सुनते हैं और आपका अंदर से कनेक्शन जुड़ गया ना उस गाने के साथ, तो आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप ऑटोमेटिकली गा देते हैं। और मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं कभी सोचता नहीं कि मुझे ये गाना चाहिए या नहीं गाना, या मेरे टेस्ट का गाना नहीं, मैं बस गा लेता हूँ और कुदरत की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स तो है। गाने का जिस तरह मूड देखा है आपने अभी तक सुना है, तो आपके हिसाब से कितना कैची और कितना पसंद किया? इस गाने को सुन के मैंने सबसे पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर जी को ये पूछा कि इस गाने की सिचुएशन क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये गाना क्रेडिट्स में आएगा और एक 21 साल का लड़का है जो इस गाने के ऊपर जिनके ऊपर ये गाना पिक्चराइज कर रहे हैं, और बहुत चुलबुला है और बहुत सारे सपने हैं उनके, वो सारी चीज़ें माइंड में रख के आपको गाना है। हालांकि ये सब मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कभी कभी ना वो नखरे नाज रखने वो फील नहीं था, थोड़ा रोमांस भी था इसके अंदर, थोड़ा नॉटीपन भी था और थोड़ा चुलबुलापन भी था, तो वो सब मैंने इसलिए ये मैं डायरेक्टर साहब को पूछा और उन्होंने मुझे बताया और मैंने वो माइंड में रख के गाया गाना। भाई इस वक्त जो आने वाले हैं आपके प्रोजेक्ट, और जैसे दावत इश्क का टाइटल ट्रैक आपने गाया है जी, बहुत पसंद किया जा रहा है, क्या किस तरह का है कि मूड के आपके गाने आने वाले हैं इस वक्त? जी देखिए अभी तो फिलहाल दावत इश्क यशराज की जो फिल्म है उसका टाइटल ट्रैक मेरा अभी रिलीज़ हुआ है और वो गाना काफ़ी इंशाल्लाह लाइक कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि लोगों ने जिस तरह मुझे पहले गानों में मुझे प्यार दिया है, इन सब आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी मुझे प्यार देंगे। इसके अलावा मैंने एक सोशल कॉज के लिए एक प्रोजेक्ट किया है जिनके बारे में मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह बताऊँगा, पहली बार मैं मीडिया के सामने ये बात बता रहा हूँ। थोड़ा अलग किया है जो मैंने आज तक कभी गाया नहीं है, जो जॉनर उसमें मैंने गाया है, और वो इंशाल्लाह विद इन वन मंथ वो आ जाएगा। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, फिल्म के गाने बहुत सारे कुछ रिलीज़ होने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ों में मैं लगे हुए साथ साथ सब काम चल रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। डेल कृपल, अच्छा वो 21 साल का, अच्छा इस गाने के जो लिरिक्स लिखे हैं वो कृपल पटेल ने लिखे हैं, और जो कि बहुत यंग एज हैं उनकी, 21 ईयर्स ओल्ड हैं वो, और बहुत अच्छे लिखे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ किए, माँ की आँख, स्ट्रगल और इडियट, और गाने के अंदर है ना बहुत चुलबुलापन है, मज़ा आएगा जब सुनेगा कोई भी तो, क्योंकि बहुत यूथफुल गाना है ये और काफ़ी मस्ती है। माल बात करोगे? सर बताइए अतरंगी में ऐसा क्या देखा जो आपने प्रोड्यूस किया? अतरंगी में मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि हम एक्चुअल में चार प्रोड्यूसर जो है वो फ्रेंड है, अतरंगी दोस्त है, तो वो हिसाब से एक स्क्रिप्ट आया हमारे पास और उसके मिलता जुलता था, तो अतरंगी के हिसाब से फिर ये लोग ने मेहनत किया, अभिषेक और गायकवाड़ जी ने, और वही हिसाब से हमने फिर
पिक्चर में रस लिया, इंटरेस्ट लिया। बस तैयारी तो है, अभी हौसला है, अभी आगे देखते हैं। क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग सारे बड़े सिंगरों ने की है, तो आपको म्यूजिक में तो कुछ शायद नहीं कोई प्रॉब्लम। वो हिसाब से किया है हमने, कहीं भी म्यूजिक स्टारकास्ट भी नया है, तो नए लोग को भी चांस देना ही पड़ेगा। अभी नए लोग को भी चांस देना, उनमें भी पिलर तो लेके चलना पड़ता है। हाँ 100%, और वो लोग भी, उनमें भी है टैलेंट, उनके भी अच्छा काम किया है सबने, तो जब स्क्रीन पे आएगा तभी। कब तक रिलीज करने का इरादा? रिलीज बस अभी दिवाली से पहले, बिफोर दिवाली, दीपावली। मैं तीनों खड़े रहो ना, दोनों बीच में दबाने वाले हैं मेरे को। आज का गाना हमारा टाइटल सो ट्रैक है, और जो मेरे कजिन ब्रदर ने लिखा है वो अहमदाबाद में रह रहा है, 21 साल का है। आज का गाना बहुत बढ़िया है, और वो टाइटल ट्रैक के हिसाब से तैयार किया गया हुआ है, और मेरे उसको गाने को लिखा मेरे भाई ने, कजिन ब्रदर ने, जो अहमदाबाद रह रहा है और 21 साल का है, सी ए में स्टडी कर रहा है अभी, तो बहुत बढ़िया लिखा है। और बाकी अभिजीत जी ने भी मेहनत किया उसमें, और जावेद अली साहब ने तो उनका काम एकदम, जो हमने जो एक्सेप्ट किया था उससे भी बहुत बढ़िया किया है, वेरी नाइस। आप क्या कहना चाहोगे? टाइटल सॉन्ग है उसको, ऐसे गाना बहुत अच्छा है। जावेद सर ने बहुत अच्छा किया है, जो भी किया मतलब गाके गए। और हमारा वो बोलते ना कि बहुत अच्छा लगा हमें कि वो आए हमारे लिए और गा के गए। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि गाना टाइटल सॉन्ग के हिसाब से बहुत बढ़िया लिखा गया है। प्रकाश भाई जी हमारे प्रोड्यूसर है, मैं उनके साथ में को प्रोड्यूसर हूँ, अभिषेक डायरेक्टर है, और ये गाना अभिजीत अरुण ने बहुत अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ है, जिसमें आके जावेद अली साहब ने बहुत जान डाल दिए, बहुत बढ़िया गाना हुआ है, जो हम टाइटल में डाल रहे हैं उसको। थैंक यू। My name is Shivangi Sharma. Shivangi, yeah. No, it's Shivangi. People always get confused about Shivani and Shivangi. Yeah. So मेरा गाना टोटली एक आइटम नंबर टाइप, जो ढिंचैक टाइप जो होता है, लाइक मैं तेरी ऑस्कर विनर लला है, जो तानिया मौर्या के ऊपर शूट किया गया है, एंड बहुत अच्छी तरीके से शूट किया है। आई एम सो हैप्पी कि उसने उस गाने को बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। मैंने भी कोशिश अपनी तरफ से पूरी की है हालांकि, बट शायद दोनों ने भी उतना ही अच्छा किया होगा। आई होप। म्यूजिक मुझे पर्सनली जब मैंने सुना तो मेरे लिए तो हुक लाइन बहुत अच्छी थी, एक तो मैं तेरी ऑस्कर विनर लला, एंड प्लस एट द सेम टाइम मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं ज़्यादातर वही गाने करना पसंद करती हूँ जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। अगर मुझे कुछ गाने समझ में नहीं आते, बहुत बार मैं सुनती रहती हूँ कुछ गाने नहीं समझ में आते, तो आई नेवर गो विद देम। या सो जी जरूर। कोई बोले मुझे मोनिका, कोई बोले मुझे सनरिटा, सोना कह के कोई पुकारे, बिल्लू कह के कोई निहारे, तू ही बता देखता है क्या, कैसी लगे तुझे मेरी अदा, मैं तेरी ऑस्कर विनर लैला। थैंक यू सो मच। नया लुक तो आना चाहिए ना मार्केट में। नहीं